साल के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारी में जुट गई हैं। इसी क्रम में वयोवृद्ध समाजवादी कैप्टन जय नारायण निषाद द्वारा गठित जयप्रकाश जनता दल ने भी देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंकज सहाय एवं सतीश सैनी, प्रमुख महासचिव माला पंजवानी, राष्ट्रीय महासचिव शशिकांत सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एसके शर्मा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रवि रहेजा, यूपी प्रदेश अध्यक्ष सोनू पंडित, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह और बिहार प्रदेश अध्यक्ष कमलेश राय समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कई अहम सदस्यों ने शिरकत किया। बैठक के मुद्दों पर बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके सिंह ने संचार टाइम्स को बताया, एक तो मुद्दा हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट यह था कि हम अपने अपने जो कार्यक्रम है जयप्रकाश जनता दल के, उसको कैसे हम इसको फर्दर एक्टिवेट करें, कैसे इसको आगे बढ़ाएं। और ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे सारे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष के लोग भी आए हुए हैं और अन्य सदस्यगण जो हमारे इम्पोर्टेंट जो लोग आए हुए थे। तो एक राष्ट्रीय स्तर की जो एक हमारी जो कमेटी होती है उस पर उस लोग यहाँ पर विराजमान हैं और उसके बारे में हम लोग अपनी चर्चा की है। निश्चित तौर पे आप लोगों ने इसे चिंतन बैठक का नाम दिया था, तो काफ़ी सारे मुद्दों पे चिंता आप लोगों ने जरूर करी होगी। चुनाव भी कई स्टेट्स में आ रहे हैं, क्या इसको लेके भी आप लोगों ने कुछ राय मशवरा किया? हाँ, एक्चुअली चुनाव तो हमारा एक मुद्दा है। बिहार में जैसे अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अक्टूबर में जो चुनाव होने वाले हैं, उसके उस संदर्भ में भी हम अपने राय जो है प्रदेश अध्यक्षों से और जिला स्तर के लोगों से राय ली है कि हमारी क्या इसमें भूमिका होनी चाहिए। और नेचुरली हमारे जयप्रकाश जनता दल के पिछले जो लोकसभा के इलेक्शन में काफ़ी अच्छी भूमिका रही है, तो हम चाहेंगे इसमें भी हम अपनी भूमिका को लोगों के सामने दर्शाएं। संचार टाइम्स ब्यूरो।